हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 स्प्लिट ब्लैक कलर, जो कि रॉयल इनफील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वेरिएंट है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2024 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है, क्या माइलेज आपको ये बाइक निकाल कर देती है, क्या अपडेट आपको 2024 के अंदर इस बाइक के अंदर मिलने वाले हैं, उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। अभी के टाइम पे आपको इस बाइक के अंदर E20 का अपडेट मिल जाता है। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 2,67,000 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आपको ब्लैक कलर के मिरर मिल जाते हैं, जो कि आपको मैट फिनिशिंग ऑप्शन के साथ में मिलते हैं। ये बाइक आपको ऑल ओवर मैट कलर फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है, तो जिससे इस बाइक का लुक काफ़ी प्यारा निकल कर आता है। इसके फ्रंट में आपको पार्किंग लाइट देखने को मिलती है। जैसे आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है। इंजन स्टार्ट होते ही इस बाइक की जो बड़ी हेलोजन हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। तो चलिए करते हैं बाइक के इंजन को स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से देखने को मिलने वाला है। नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक की साइड प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हैं। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, 41mm फोर्गन 130mm ट्रेबल। इस बाइक के जो फेंडर है वो आपको स्टील मेटल बॉडी पार्ट के साथ में मिल जाते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी के नाम से बाइक एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। सस्पेंशन के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो नाइट वगैरह के लिए काफी अच्छा फीचर्स मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको 300mm के डिस्क एंड बैबरी के कैलिवर मिल जाते हैं। अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। स्प्लिट ब्लैक कलर के अंदर ही आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको 119 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको 3D क्रोम में मिलने वाली है। कुछ इस तरीके की साइड में आपको टैंक पैड मिल जाता है इस बाइक के अंदर, कुछ इस तरीके का। इस बाइक के टैंक के ऊपर आपको रेड कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं ऑल ओवर बाइक के ऊपर, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी प्यारा निकल कर आता है। इस बाइक के अंदर आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एंड E20 का अपडेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आने वाले टाइम में आप इस बाइक को इथेनॉल पेट्रोल से भी चला सकते हो, तो एक बड़े अपडेट के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 350 cc का एयर ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जो 20.21 BHP की पावर जनरेट करता है एंड 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के अंदर आपको टोटल 5 गियर्स मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ब्लैक कलर फिनिशिंग के साथ में आपको इस बाइक का इंजन मिल जाता है। इस बाइक के माइलेज की बात करते हैं, बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज निकाल कर देती है। साइड में आपको क्लासिक 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के फॉर्म में। एंड इस बाइक के टोटल वेट की बात करूँ तो 195 kg का कर्वेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 805mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। ड्यूअल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप सिटी टू सिटी राइड एंड लॉन्ग राइड के लिए बाइक ढूंढ रहे हो तो बाइक आपके लिए एक नंबर ऑप्शन हो जाती है। यहाँ पर आपको हैंडल बार देखने को मिल जाता है बाइक को स्टैंड पर लगाने के लिए। यहाँ रियर में आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है। इसके रियर में सस्पेंशन की बात करो तो 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। इसके रियर में आपको 270mm के डिस्क एंड बैबरी के कैलिबर मिल जाते हैं, तो ड्यूअल चैनल ABS के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इसके रियर में आपको 120/80/18 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की बैक प्रोफाइल की। तो बैक में आपको सिंगल पीस ग्रेवरल मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर, कुछ इस तरीके के। नीचे की तरफ आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, गोल्ड सी टेल लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको इस बाइक का रियर से देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, लो बैटरी वार्निंग, एवीएस लाइट, चेक इंजन लाइट, न्यूट्रल लाइट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ एंड इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 120 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये था 2024 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 स्प्लिट ब्लैक कलर का एक स्मॉल से रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।